आज का हमारा विषय है, यदि आप सोच रहे हैं कि पीजी में रहें या हॉस्टल में रहें, तो आप हॉस्टल का ही चुनाव करिएगा, क्योंकि यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको वहाँ हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, हर तरह की वहाँ अमेनिटीज मिलेगी जो लिखी हुई है। ज़्यादातर पीजी में क्या होता है, जैसे कि चंडीगढ़ ट्राई-सिटी की प्रॉब्लम है, जो भी आपको फैसिलिटी मिलनी हो कभी भी रिटर्न में नहीं मिलती, जिससे कई बार ओनर आपको वो फैसिलिटी दे भी देता है, कभी कभी नहीं भी देता। जैसे कि वाईफाई बोला गया, वाईफाई नहीं देता, खाना यदि अच्छा बोला गया तो खाना अच्छा नहीं मिलता, जिसमें कीड़े मकोड़े तक भी मिलते हैं। और यदि जैसे कि रूम में मिरर होना चाहिए, जो कि बेसिक नीड है, जो कि रूम में लाइट अच्छी होनी चाहिए, और मतलब वहाँ कोई सीलन नहीं होनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम मैंने पीजी में मिलती है, जैसे कि मैंने चंडीगढ़ ट्राई सिटी में देखी थी। लेकिन यदि यही हॉस्टल में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ की आप अथॉरिटी से इस बात की शिकायत कर सकते हैं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से, जिसका आपको जल्दी ही उपाय मिलता है। जैसे कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब रही थी, तो मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने भी अपनी कंप्लेंट पॉलिटिकल पार्टी में की थी, और जिसका सोल्यूशन मुझे 2-3 दिन में मिल गया था। जैसे कि मेरे रूम में मिरर नहीं था, जो कि बेसिक नीड है किसी भी इंसान की, तो मुझे भी अपनी प्रॉब्लम 2 मिनट में सोल्यूशन मिल गया था। और यदि आप सोच रहे हैं कि आप पेइंग गेस्ट के रूप में रहें या आप हॉस्टल में रहें, यदि कहीं कहीं लड़कियां सोचती कि नाइट को आपकी जॉब है तो कैसे करेंगी, तो आप यदि पंजाबी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी जानते होंगे, तो वहाँ आप रात को भी आप आ जा सकते हैं। और यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं, तो भी आप कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन वहाँ का होता है, जिसके कारण आप अपना बाहर आने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई जॉब हो तो। और यदि आप खाने को लेकर सोच रही हैं, तो खाना हॉस्टल का अच्छा है या पीजी का, विश्वास मानिए हॉस्टल का खाना सस्ता भी और अच्छा भी होता है, और वो कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा मटेरियल मिला होता है। जबकि पेइंग गेस्ट में यदि आप दाल ही खाने बैठे हो, दाल कम होगी, पानी ज़्यादा होगा, रोटी कम होगी, रोटी में खराब बनावट ज़्यादा होगी, खराब मतलब खराबी होगी। इसी तरह इसमें बहुत पीजी में प्रॉब्लम आती है, और पीजी बहुत महंगे भी होते हैं, और हमें सिक्योरिटी भी बहुत देनी पड़ती है, और ऊपर से आपको वहाँ किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती। कई कई पीजियों में तो आप देखेंगे कि जो नहाने वगैरह की जो प्रॉब्लम भी रहती है, और भी बहुत प्रॉब्लम वहाँ होती है। और यदि वहाँ रैगिंग हो, तो भी वहाँ रैगिंग के ऊपर कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा होता। जबकि यदि यही हॉस्टल में रैगिंग हो, तो आप इसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर सुनवाई होना जरूरी है, क्योंकि एक क्राइम है। लेकिन रैगिंग यदि पीजी में हो, तो अभी तक इसको क्राइम के रूप में रैगिंग में पीजी में नहीं जोड़ा गया, जो कि रैगिंग पीजी में भी हो जाती है, लड़की लड़कियों की, लड़कों लड़कों की, बहुत जगह ऐसी होती है रैगिंग। तो आप प्रेफर करिए कि आप हॉस्टल में ही रहिएगा, और कोशिश करिएगा कि आपका हॉस्टल मेरिट लिस्ट में ही नाम आए, ना कि पीजी में आपको सरवाइव करना पड़े। क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है, आपको वहाँ कभी कहीं कहीं हॉस्टल में वॉशिंग मशीन दी जाती है, वहाँ आपका स्पोर्ट्स भी होता है, वहाँ आपको स्पोर्ट्स में स्विमिंग की भी फैसिलिटी मिलती है। और जैसे कि पंजाबी यूनिवर्सिटी में है, वहाँ आपको गार्डन मिलता है आपके हॉस्टल में, इसी तरह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी आपको गार्डन मिलता है, आप रात दिन में फिर सकते हैं गार्डन में, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और यदि आप और भी आपको फैसिलिटी मिलती है, लाइक जिम की फैसिलिटी, और रीडिंग रूम की फैसिलिटी, टीवी की फैसिलिटी बहुत सारी, और वाईफाई जो कि ऑल टाइम चलता है। मैंने पीजी में आपको ये कहा जाएगा कि आपको वो दिया जाएगा वाईफाई, लेकिन वहाँ वाईफाई कभी चलता ही नहीं है। ये चलता है कहीं कहीं पीजी में सही फैसिलिटी मिलती है, ज़्यादातर पीजी में कभी भी फैसिलिटी सही नहीं मिलती। चंडीगढ़ ट्राई-सिटी में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप हॉस्टल में ही रहिए, क्योंकि हॉस्टल में आपको जो कहा गया वो ज़्यादातर मिलता ही है। और वहाँ आपको क्या, जैसे कि आपको वाईफाई कहा, जो कि हर समय चलता है, और वहाँ ज़्यादातर लोग फ्रेंडली भी होते हैं, कंपेयर टू आप यदि बाहर पीजी में रहते हैं, वहाँ लोग फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि ना आपको उनसे कोई वास्ता होता है, ना कोई उनका मतलब, बहुत ही कम फ्रेंड्स बन पाते हैं। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आप चाहे उस सब्जेक्ट के नहीं हैं, जिस सब्जेक्ट के दूसरी आपके रूममेट है या आपके साथ के रूम वाले हैं, आपके सब्जेक्ट के नहीं भी हैं, तभी वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि आप एक हॉस्टल से एक ही यूनिवर्सिटी से हो, और वो आपको एक सिक्योर एनवायरमेंट भी देते हैं, चाहे वो आपसे सिंपथी रखते हो न रखते हो, फिर भी आपको एक सेफ एनवायरमेंट देते हैं, क्योंकि आप उन्हें पता है आप उन्हीं की यूनिवर्सिटी के, उन्हीं के हॉस्टल के हो, तो ऐसे एक सेफ और सिक्योर आपको एनवायरमेंट मिलेगा हॉस्टल में। कभी भी किसी भी पेइंग गेस्ट में ये नहीं मिलता, और पेइंग गेस्ट में तरह तरह की लड़कियां आती हैं, और वहाँ कोई मांस जो नहीं खाते, वहाँ उसके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते। जबकि एक हॉस्टल में यदि आप वेजिटेरियन, आपके रूममेट वेजिटेरियन नहीं है, वो उसको
फिर भी एक रूल है, रेगुलेशन रूम में बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल के नियम है आपको वहाँ यदि आपको खाना भी है नॉन वेज तो बाहर जाके खाइए, रूम के अंदर अलाउड नहीं होता, ये सभी उसमें अलाउड, ये सभी उसमें हॉस्टल में ये नियम होता है, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में, सभी हॉस्टल में ये नियम होता है कि यदि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप बाहर ही खाइए, रूम में अपने रूममेट को परेशान ना करिए। यदि वहाँ रैगिंग है तो नेशनल एंटी रैगिंग का जो नंबर है उस पर आप कंप्लेन करके अपनी केस रजिस्टर भी करवा सकते हैं, और जो कि वहाँ के नज़दीक के SHO तक भी वो रिपोर्ट जाएगी, अथॉरिटी तक भी रिपोर्ट जाएगी, और हर जगह रिपोर्ट जाएगी, जिसका स्ट्रिक्ट एक्शन आपको मिलेगा। जबकि PG में कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता, यदि आपकी कहीं रैगिंग हो रही है, आपकी बदमिश बिहेवियर, आपके साथ कोई आपको बुली कर रहा है या आपको टीज कर रहा है, टीज करना आपको छोटी मोटी बात लगती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेंटली हैरेस कर रही होती है, तो ये हर बातें काउंट होती हैं हॉस्टल में रहते हुए। हाँ, यदि आपको इन बातों की नॉलेज नहीं है और आपकी रैगिंग हो गई हो, एक अलग बात है, लेकिन यदि आपको रैगिंग की और हर बातों की नॉलेज है, किस बात में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि हॉस्टल कितना फ्रेंडली होता है, जबकि PG बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी एक कोई फ्रेंड थी जिसने मुझे बताया था कि हॉस्टल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है, यदि आप हॉस्टल में नहीं रह सकते, आप PG में तो बिल्कुल रह ही नहीं पाओगे, तो आप हॉस्टल ही प्रेफर करिए, और कोशिश करिए कि आप अपने स्कोर करके जाइए अपने बैचलर टाइम में या 12th में, कि आपको जाते ही हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि आप हॉस्टल में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, यदि बाहर रहेंगे तो दुखी रहेंगे, ये एक कड़वा सच है जो कि आप यदि वहाँ जाएंगे फील खुद अनुभव करेंगे। हाँ, कहीं कहीं लड़कियों का PG का अच्छा अनुभव भी होता है, लेकिन ज़्यादातर अनुभव खराब ही होते हैं, क्योंकि वहाँ आप यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए तो हॉस्टल में क्या होता है, आपको वो हॉस्टल में क्या होता है, वहाँ की अथॉरिटी होती है जो कि आपको वहाँ की वैन, वहाँ के कोई व्हीकल के थ्रू आपको वहाँ हॉस्पिटल लेके लेके जाते हैं और फ्री में इलाज भी करवाते हैं। जबकि यदि आपकी PG में बुखार या जुकाम कुछ भी हो जाए ज़्यादा, तो वहाँ कोई आपकी रखवाली नहीं करता, ना ही आपकी कोई आपको वहाँ डॉक्टर तक लेके जाता है। तो इस तरह बहुत ऐसी फैसिलिटी हैं जो आपको हॉस्टल में ही मिलेंगी, सेफ एनवायरनमेंट, फ्रेंडली जोन। एक मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है PG के ऊपर, एक बार उसे आप पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि हॉस्टल बेटर है या PG, तब आपको समझ आएगा हॉस्टल इज बेटर देन PG। और PG में क्या होता है, आप यदि नहीं जानते हो, PG में क्या होता है कि हिडन चार्जेस बहुत होते हैं, जैसे कि आपको कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, बाद में इलेक्ट्रिसिटी पैसे मांगे जाएंगे, वाईफाई के अलग से पैसे मांगे जाएंगे, कई चीज़ें ऐसी फैसिलिटी मांगी जाती है, कभी कभार उनके कुकिंग कहा जाता है फ्री है, मतलब साथ में इंक्लूड है, लेकिन आपको पता चलेगा बाद में कुकिंग में कई बार वहाँ खाना ही बनता है, वहाँ का कुक भाग जाता है, या वहाँ का कुक बेकार भी होता है, कि मतलब गलत हरकतें करें, जो कि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट में है, लेकिन यही हरकत मैस में होती है, हॉस्टल की मैस में, तो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन अथॉरिटी द्वारा लिया जाता है, और उसके लिए आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता, ज़्यादा एविडेंस नहीं निकालने पड़ते। जबकि आपके साथ यही हरकत किसी PG में हो जाए तो आपको एविडेंस निकालने की भी जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि ओनर ये कहेगा नहीं मेरा मेरा बावर्ची अच्छा है, और आप कहोगे नहीं वो बहुत बड़ा बेकार है, थर के आदमी है। तो कुल मिला के आप कोशिश करिए कि हॉस्टल ही मिले, क्योंकि हॉस्टल में छोटी से छोटी आपको परेशानी का फेस भी करना पड़े तो कल आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो, चाहे कहीं सालों बाद भी। लेकिन यदि यही प्रॉब्लम आपको PG में हुई तो आप कहीं इसको रजिस्टर नहीं करा सकते, क्योंकि जो संविधान है हमारा, इंडियन संविधान, तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिली कि हम हमारे साथ कोई प्रॉब्लम बाहर हुए यूनिवर्सिटी से बाहर, जैसे कि PG में, तो उसके ऊपर हमारा कोई साथ दे, जबकि पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों में साथ दे देती है आपको कई बातों में। तो धन्यवाद सुनने के लिए।